मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए नेताओं ने हर वो चीज कर डाली जो उनके बस में थी। क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, दोनों के बड़े बड़े नेताओं ने हिंदुत्व कार्ड खेलकर वोट जुटाने की भरसक कोशिश की। नेताओं ने कथावाचकों को एक पल की फुर्सत नहीं लेने दी। कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा और जया किशोरी की कथा की एडवांस बुकिंग तक कर ली गई। कथा के भव्य आयोजन भी हुए और काफी भीड़ भी जुटी। लेकिन क्या कथा कराने वाले नेताओं को चुनाव में जीत का आशीर्वाद मिला या नहीं, हम आपको यही बता रहे हैं। तनिष्क में हमारे गहनों से सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, एक 150 साल पुराना सरनेम भी तो जुड़ा है, टाटा का। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट। नरोत्तम मिश्रा। दतिया से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव से पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन कराया था। जब चुनावी नतीजे आए तो उन्हें निराशा हाथ लगी। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने उन्हें 7,742 वोट से हरा दिया। नरोत्तम मिश्रा को 81,235 वोट मिले, वहीं राजेंद्र भारती को 88,977 वोट मिले। कमल पटेल। हरदा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने चुनाव से पहले कथावाचक जया किशोरी की कथा कराई थी। वे 1,000 से भी कम वोट के अंतर से विधानसभा चुनाव हार गए। कांग्रेस के डॉक्टर राम किशोर दोगने ने कमल पटेल को 870 वोट से हराया। कमल पटेल को 93,683 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के डॉक्टर राम किशोर को 94,553 वोट मिले। विश्वास सारंग। भोपाल की नरेला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेंद्र शास्त्री दोनों की कथा कराई थी। वे चुनाव जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के मनोज शुक्ला को 24,569 वोट के बड़े अंतर से हराया। विश्वास सारंग को 1,24,552 वोट मिले, वहीं मनोज शुक्ला को 99,983 वोट मिले। भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश की खुरई विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराई थी। वे चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के रक्षा राजपूत को 47,325 वोट से हराया। भूपेंद्र सिंह को 106,436 वोट मिले, वहीं रक्षा को 59,111 वोट मिले। रमेश मेंदोला। इंदौर दो विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने धीरेंद्र शास्त्री की कथा कराई थी। उन्होंने 107,047 वोट से चुनाव जीता। रमेश मेंदोले को 169,071 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के चिंटू चौकसे को 62,024 वोट मिले। कमलनाथ। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की कथा कराई थी। वे बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के विवेक बंटी साहू को 36,594 वोटों से हराया। कमलनाथ को 1,32,302 वोट मिले, वहीं विवेक बंटी साहू को 95,708 वोट मिले। जीतू पटवारी। राउ से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा का आयोजन कराया था। वे चुनाव हार गए। बीजेपी के मधु वर्मा ने उन्हें 35,522 वोट से हराया। जीतू पटवारी को 116,156 वोट मिले, वहीं मधु वर्मा को 151,672 वोट मिले। विशाल पटेल। देपालपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विशाल पटेल ने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराई थी। वे 13,698 वोट से हार गए। विशाल पटेल को 81,879 वोट मिले, वहीं बीजेपी के मनोज पटेल को 95,577 वोट मिले। सत्यनारायण पटेल। इंदौर पांच विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल ने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन कराया था। वे चुनाव में बीजेपी के महेंद्र हार्डिया से 15,671 वोट से हार गए। सत्यनारायण पटेल को 129,062 वोट मिले, वहीं महेंद्र हार्डिया को 144,733 वोट मिले।
Tanishq presents the best combo offer ever. पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 25% तक की छूट और साथ ही अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर 100% वैल्यू। तो आज ही अपने नजदीकी तनिष्क स्टोर जाइए। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट।